Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Abhijit Chakma. Hope you all are doing well and good. So, आज ये वीडियो में हम बात करेंगे अपना जर्नी, हम हाउ आई स्टार्ट प्लेइंग फुटबॉल, हाउ आई स्टार्ट लविंग फुटबॉल, और हम लिवरपूल को सपोर्ट करना कब से शुरू किया था, और उसका रीज़न क्या था कि हम लिवरपूल को सपोर्ट करना शुरू किया. सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना टू नो द रीज़न. तो बचपन में जब हम स्कूल में जाता था, क्लास 2, 3, 4 ऐसा क्लास में, इसमें कोई स्पेसिफिक गेम नहीं था कि सिर्फ फुटबॉल खेलता था या सिर्फ क्रिकेट खेलता था या सिर्फ वॉलीबॉल. तो उसमें जितना भी अवेलेबल गेम्स होता था स्कूल में, बचपन में जितना भी गेम्स देखता था, तो सभी का सभी गेम्स खेलता था. फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, इंडोर गेम्स में भी बैडमिंटन हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, ऐसा बहुत सारा गेम्स खेलता था. तो क्लास 5 तक मैंने अपना स्कूलिंग बस्ती में ही किया, और उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था साउथ इंडियन में जाके, कर्नाटक का मैसूर डिस्ट्रिक्ट में जाके वहाँ पढ़े. तो वहाँ पे हम हॉस्टल में बैठा, और वहीं में मैं क्लास 6 का स्कूलिंग कंटिन्यू किया. तो मैं वहाँ जाके महाबोधि स्कूल मैसूर में मैं अपना स्कूलिंग क्लास 6 से कंटिन्यू किया. और वहाँ पे सबसे पहले जाके तो मुझे बहुत लोनली फील हुआ, इनसिक्योर फील हुआ, फिर लोनली बहुत अकेलापन महसूस हुआ, फिर मम्मी पापा का याद आना, फिर एक समय में हम रोया भी था कि बस्ती से आके डायरेक्ट हम मम्मी पापा को छोड़ के डायरेक्ट शहर में आ गया. तो ये मेरा बहुत नया एक्सपीरियंस था लाइफ में, और एक नया जर्नी था मेरा लाइफ में. तो ये बहुत थोड़ा तकलीफ रहा. तो जैसे टाइम बीतते गया, तो आस्ते आस्ते मैंने अपना दोस्त नया दोस्त बनाया, फिर ऐसे करके हम एडॉप्ट करने लगा. और हम वहाँ पे सबसे एक नोटिस किया कि वहाँ पे जितना भी हॉस्टलर्स था, स्पेशली वो लोग क्रिकेट और फुटबॉल में बहुत टैलेंटेड था. बाकी सारा इंडोर गेम्स आउटडोर गेम्स तो खेलता था, लेकिन सबसे ज़्यादा टैलेंटेड था फुटबॉल और क्रिकेट में. और जैसे कि हम सबसे पहले जब हम स्कूल में फर्स्ट डे स्कूल में गया था, तो वहाँ पे भी हम देखा कि बहुत सारा ट्रॉफीज लाया हुआ था. तो वो मेजोरिटी ऑफ द ट्रॉफी मतलब था वो ज़्यादा क्रिकेट और फुटबॉल में जीता था. जैसे टाइम बीतते गया, तो मैंने नया दोस्त बनाने लगा, मैं अपना क्लासमेट से फ्री होने लगा. तो मुझे ऐसा करके अपना अकेलापन बोलो, लोनलीनेस, फिर मम्मी पापा का घर वाले का याद आना, वो तरह कम हुआ, और मुझे एक अपना फैमिली का तरह ऐसा महसूस हुआ. तो और उस समय में जब सैटरडे संडे को वीकेंड में सैटरडे को हम लोग को हाफ क्लासेस होता था, तो क्लासेस छुट्टी होने के बाद हम लोग अपना यूनिफॉर्म्स वगैरह, फिर सॉक्स जूता सब धुला के फ्रेश होके हम लोग लंच खाता था. तो लंच खाने के बाद हम लोग को फ्री टाइम होता था. फ्री टाइम में कोई लोग टीवी देखता था, कोई कोई इधर उधर सराउंडिंग्स कैंपस के अंदर घूमता था, कोई कोई लोग खेलता था. तो उस समय में मुझे बहुत खेलने का शौक था. तो हम भी दोपहर को ऐसे फ्री टाइम में हम भी जो बाकी कोई कोई लोग खेलता था उन्हीं लोग के साथ हम ज्वाइन किया. फुटबॉल सीखा, फुटबॉल क्रिकेट सब गेम सीखा. तो मुझे ज़्यादा खेलते गया, तो मुझे फुटबॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट लगने लगा. तो उस समय में तो मैं जब सबसे पहले वहाँ गया था, तो मुझे ना फुटबॉल शूट मारने आता था, ना पासिंग करने आता था, ना रिसीविंग करने आता था. तो मेरा क्लासमेट से हो गया, मेरा सीनियर से हो गया, या मेरा जूनियर से हो गया, सभी लोग से हम सीखता था फुटबॉल खेलना. तो ऐसे फुटबॉल खेलते गया तो मेरा फुटबॉलिंग भी थोड़ा ऐसे और इम्प्रूव होते गया मेरा. तो वहाँ मैसूर में हर साल डिफरेंट स्कूल लोग इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता था, और महाबोधि स्कूल टीम भी पार्टिसिपेट करता था. और हर साल महाबोधि टीम भी वो फुटबॉल टूर्नामेंट में हमेशा चैम्पियन ही रहा, क्योंकि हम लोग का जो महाबोधि टीम इतना फुटबॉल में मतलब टैलेंटेड, फिर इतना स्ट्रॉन्ग टीम था कि कोई भी हरा नहीं सकता था. कि जितना भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता था अलग अलग स्कूल लोग फुटबॉल में, सभी टूर्नामेंट महाबोधि स्कूल लोग ही चैम्पियन होता था. तो इसलिए मुझे भी क्लास 9 तक मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला महाबोधि टीम में आने के लिए, कोई रिप्रेजेंट करने के मुझे मौका नहीं मिला महाबोधि टीम को. तो मुझे फाइनली जब हम क्लास 10 में फाइनली हॉस्टल में था, तभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिला अपना महाबोधि टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए. तब दिल्ली पब्लिक स्कूल इंटर स्कूल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था. तो फिर हम लोग भी सेम एज इट इज़ जैसे जीतते किया, इसी तरह हम लोग भी उस समय 2016 में हम लोग भी दिल्ली पब्लिक स्कूल टूर्नामेंट फुटबॉल टूर्नामेंट भी जीता था.
तो इसी तरह हम फुटबॉल खेलते गया और क्लास 11 12 हम फिर प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज महाजना पीयू कॉलेज में हम एडमिशन लिया और वहाँ पे भी फर्स्ट ईयर में ही हम लोग फिर इंटर कॉलेज फुटबॉल टूर्नामेंट खेला और हम लोग का कॉलेज टीम फाइनल में हार चुका था। तो वहाँ से कुछ प्लेयर्स को सेलेक्ट किया गया, 6 प्लेयर्स को सेलेक्ट किया गया था मैसूर डिस्ट्रिक्ट टीम के लिए। तो वहाँ उनमें से हम भी एक प्लेयर था जो सेलेक्ट हुआ था। तो फाइनली मैसूर डिस्ट्रिक्ट टीम फिर स्टेट लेवल खेलने के लिए बीदर डिस्ट्रिक्ट में लेके गया। बीदर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था। तो वहाँ पे सैडली हम लोग मैसूर टीम जो सेमीफाइनल में हार चुका था। तो उनमें से हम लोग का मैसूर डिस्ट्रिक्ट टीम से सिर्फ एक ही प्लेयर नेशनल लेवल के लिए सेलेक्ट हुआ था आगे और खेलने के लिए। तो वो भी एक प्लेयर वो भी महाबोधि स्कूल टीम से ही था। तो यही था मेरा क्लास 11 12 का जर्नी। तो क्लास 12 का बाद हम ग्रेजुएशन ज्वाइन करता है और वो तीनों साल ग्रेजुएशन में भी हम इंटर कॉलेज खेलते बेटा। तो स्कूल से लेकर पूरा ग्रेजुएशन तक पूरा हम फुटबॉल खेलते बेटा, क्योंकि इतना इंटरेस्ट आ गया था मेरा, इतना फुटबॉल से मतलब प्यार हो गया था। तो इतना खेलते आ रहा था तो अभी भी खेलता है और फ्यूचर में भी खेलेगा। तो ये था एक बहुत फुटबॉल से मुझे कैसा इतना इंटरेस्ट जागने लगा। तो ये था एक मेरा छोटा जर्नी। और रही बात हम लिवरपूल को क्यों सपोर्ट करता है और कब से सपोर्ट करने लगा, तो ये एक बहुत बड़ा फनी सा रीज़न है। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब हम सबसे पहले 2011 में नया हम मैसूर में पढ़ने के लिए गया था मेरा फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो वहाँ मैसूर महाबोधि हॉस्टल में मुझे हम सभी हॉस्टल वालों को अराउंड 200 स्टूडेंट्स हॉस्टलर था। तो वहाँ सभी स्टूडेंटों को 1 PM मतलब पेंट शर्ट एक ड्रेस दिया गया था। तो उनमें से 10-12 स्टूडेंट ऐसे था जो जिसको ड्रेस नहीं मिला था, तो उनमें से मैं भी एक था। तो जो बाकी जो 10-12 लोग को नहीं मिला था तो उन लोग को जर्सी लेकर जर्सी दिया गया था। तो सभी को अलग अलग जर्सी दिया गया। तो उनमें से मुझे लिवरपूल का जर्सी मिला था। तो और लिवरपूल का जर्सी में पीछे में 8 नंबर स्टीवन जेरार्ड था। तो मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था, बस पता था कि हाँ ये एक जर्सी है बोल के। तो मुझे पता नहीं था कि लिवरपूल क्या है, एक कौन सा क्लब है, कहाँ से खेलता है, या फिर स्टीवन जेरार्ड कौन है, कहाँ से है। तो ऐसा मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो मैं थोड़ा क्यूरियस था, तो मैं अपना दोस्त लोग से हॉस्टल लोग से पूछा कि ये कौन है, स्टीवन जेरार्ड कौन है, लिवरपूल कौन सा क्लब है, कहाँ खेलता है। क्योंकि उस समय मैं नया नया गया था हम, तो मुझे फुटबॉल का आइडिया कुछ भी नहीं था, फुटबॉल का कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो फिर बोला दोस्त लोग बोला कि ऐसा एक है इंग्लैंड में इंग्लिश प्रीमियर लीग का क्लब है, लिवरपूल है एक टीम है जो खेलता है। तो और स्टीवन जेरार्ड वो एक कैप्टन है, बहुत अच्छा खेलता है, बहुत बढ़िया खेलता है। तो ऐसा सुनकर मुझे लगा कि ठीक है, शर्ट भी मिल गया, पीछे में जेरार्ड स्टीवन जेरार्ड नाम लिखा हुआ है, तो क्यों ना हम इसको स्टीवन जेरार्ड को मतलब हम बेस्ट प्लेयर मतलब अपना बेस्ट प्लेयर बना दूँ। तो क्या हुआ, तो हम उसी समय से हम डायरेक्ट इसको स्टीवन जेरार्ड को बेस्ट प्लेयर बना दिया। तो और स्टीवन जेरार्ड लिवरपूल में खेलता था, तो इसी तरह मैं लिवरपूल को ही सपोर्ट करने लगा। तो ये एक बहुत बड़ा फनी सा रीज़न था हम कब से लिवरपूल को सपोर्ट करने लगा। तो सेम मेरा जैसा ही सबका अलग अलग रीज़न होता हुआ कि अपना जैसे चेल्सी हो गया या टोटेनाम बार्सिलोना या रियल मैड्रिड कौन किसको सपोर्ट करता है, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। तो मेरा लिवरपूल सपोर्ट करने का यही रीज़न था हम क्यों लिवरपूल को सपोर्ट करने लगा। तो यही था मेरा एक जर्नी। तो गाइस आई थिंक यही था मेरा जर्नी, फुटबॉल जर्नी, हम फुटबॉल कब से खेलने लगा, कब से इंटरेस्ट लगने लगा फुटबॉल में, और हम लिवरपूल को क्यों सपोर्ट करता है और कब से सपोर्ट करने लगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो हम मिलेंगे और आने वाला वीडियोज़ में। तो टिल देन आई विल सी या।